और दिल्ली से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कुछ देर में आम आदमी पार्टी के विधायक से मिलेंगे और थोड़ी देर में मिलने पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से कुछ देर में आम आदमी पार्टी के विधायक का मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और थोड़ी देर में ये मुलाकात होगी, थोड़ी देर में मिलने के लिए पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। तो सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक, इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में मिलने पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा भी यहां पर किया गया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा किया कि और कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी से जुड़े जेल भेजा जाएगा और इस कार्रवाई से रूबरू कराया जाएगा और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हैं और अरविंद केजरीवाल के तमाम संदेश जनता तक पहुंचाने का काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। और जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कुछ देर में आम आदमी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगी और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम दिल्ली से जुड़ी, ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है और न्यायिक हिरासत में वो तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार जब से ईडी की रिमांड में भी अरविंद केजरीवाल थे तब से अरविंद केजरीवाल के तमाम संदेश जनता तक पहुंचाती आई हैं और काफ़ी सक्रिय नजर आ रही हैं। जो एक बड़ी महारैली महागठबंधन की तरफ से की गई थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई थी, उधर भी सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी थी और सुनीता केजरीवाल ने मंच से अरविंद केजरीवाल का संदेश सभी तक पहुंचाया था और कुछ देर में आम आदमी पार्टी के विधायक उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे। बलराम पांडे जुड़ गए मेरे साथ। बलराम, आपके पास क्या जानकारी, क्या मायने इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी मिली है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से जो व्यवहारिक संकट है दिल्ली सरकार के सामने वो खड़ा हुआ है, तो इन तमाम बातों को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं बीके सक्सेना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे, तो ऐसे में जो व्यवहारिक संकट है और जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और आगे की जो रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे जो मौजूदा हालात है उनसे पार्टी निकलेगी। क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव भी है और गठबंधन के तहत 4 सीटों पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे दिल्ली सरकार, बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक संकट आम आदमी पार्टी के सामने बलराम यकीनन बना हुआ है। लेकिन ऐसे में हम समझना चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल किस भूमिका में रहने वाली है, क्या जो विधायक उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आप जो जानकारी दे रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो बात अपनी रख सकते हैं, क्या वो एक माध्यम बन रही है बातचीत का अरविंद केजरीवाल के साथ? बिल्कुल, देखिए कि जिस दिन से ईडी की रिमांड पर थे उस दिन से प्रतिदिन सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती थी और अब वो जुडिशियल कस्टडी में है तब भी सुनीता केजरीवाल उनसे मुलाकात कर सकती हैं, ये कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे में जो बीच का माध्यम है विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में, उसकी मध्यस्थता एक तरीके से कहा जाए तो सुनीता केजरीवाल ही करेंगी और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें क्या निर्देश देते हैं, सरकार किस तरीके से चलेगी,
विधायक किस तरीके से अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो उन तमाम बातों को लेकर के वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सुनीता केजरीवाल उन्हें किस तरीके से आश्वासन देती है, किस तरीके से भरोसा देती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा कि अहम रोल में इस वक्त सुनीता केजरीवाल है, क्योंकि आपने देखा काफी सक्रिय भी सुनीता केजरीवाल नजर आ रही है। बलराम, शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा।